हैदराबाद में नेशनल स्पोर्ट्स कंपटीशन के अंतर्गत 38वीं सीनियर महिला डबल स्कूल इवेंट में वाटर रोइंग चैंपियनशिप में प्रथम स्थान पाने वाली कुमारी विंध्या संकत ने गोल्ड मेडल हासिल कर मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले की घटिया तहसील का नाम गौरवान्वित किया। साथ ही प्रदेश की वाल्मीक समाज की पहली राष्ट्रीय महिला खिलाड़ी का वाल्मीक समाज के तत्वावधान में वाल्मीक महापंचायत घटिया जिला उज्जैन ने प्रशस्ति पत्र भेंट कर सम्मान किया। साथ ही 25वीं महिला वॉलीबॉल प्रतियोगिता में विजेता के रूप में कुमारी उमा सोलंकी ने प्रथम स्थान पाकर नगर को गौरवान्वित किया है। इन्हें भी वाल्मीकि महापंचायत द्वारा प्रशस्ति पत्र भेंट किया गया। इस मौके पर स्वर्ण पदक विजेता विंध्या संकत के दादा दादी ने ग्राम पंचायत घटिया से मांग की है कि महिलाओं के लिए खेल मैदान की जगह उपलब्ध कराई जाती है तो उन्हें खेलों की सामग्री खरीदने के लिए 1,00,000 रुपये देने की घोषणा की है। साथ ही दयाराम सोलंकी ने 21,000 रुपये और कैलाश चंद्र आदिवाल ने 11,000 रुपये देने की घोषणा की है। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व सैनिक हरिराम संकत द्वारा की गई। कार्यक्रम का संचालन सामाजिक कार्यकर्ता प्रकाश चंद्र बाली द्वारा किया गया। उज्जैन से अजय निमाक, रिपोर्ट। जी, मैंने इसकी प्रैक्टिस भोपाल में रहकर की है। भोपाल से मेरा सिलेक्शन हुआ था हैदराबाद के लिए 2 से 7 दिसंबर हुसैन सागर झील में। वहाँ से मैंने गोल्ड मेडल हासिल किया है और इसके लिए अब मुझे भारत के कैंप में सिलेक्ट किया गया है। भारत का प्रतिनिधित्व करूँगी। कितने दिन तक आपको कैंप में रखा जाएगा? जी, वहाँ कैंप में मुझे 3 से 4 महीने तक रखा जाएगा। अच्छा, ये थोड़ा कुछ बताएं कि किस कंट्री में पहुँचाने का है आपको? ये अभी जगह कुछ कंफर्म नहीं हो पा रही है। जहाँ तक कि हो सकता है साउथ कोरिया, थाईलैंड, दो जगह फिक्स है। 38वीं महिला सीनियर इवेंट डबल स्कूल के अंतर्गत चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल करा है और इनके सम्मान के लिए, क्योंकि समाज के होने के नाते हमारे समाज के द्वारा, हमारी महापंचायत के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इन प्रतिभाओं को उभारने के लिए हमें यह काम करना चाहिए, इनका सम्मान करना चाहिए, ताकि अन्य बच्चे और अन्य समाज के बच्चे भी इससे प्रोत्साहित हो और वह प्रोत्साहित होकर राष्ट्र के अच्छे निर्माण में वो सहयोग दे सके और अच्छे खिलाड़ी बन सके, राष्ट्र का धरोहर बन सके, और इस धरोहर के लिए ही हमने ये कदम उठाया है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।